हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो ये हमारा डे 30, दिस इज डे 30 फॉर इंग्लिश वोकैब। इंग्लिश वोकैब ठीक है ना। मैं बहुत सारे पेपर को देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी देखा था पीजीटी हिस्ट्री का 2021 DSSSB का पेपर, उसमें वोकैब के 4 नंबर आ रखे अभी तक हमने जो कर रखे, आउट ऑफ 6 और 7 ठीक है ना। चलो तो अब हमारे पास आज का पहला शब्द है, इसे कहते हैं इनसॉल्वेंट। अच्छा देखो, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और दोनों को मिला दो तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन। हालांकि ये इससे रिलेटेड कोई नहीं है, लेकिन कंसेप्ट यही है। सॉल्यूट को कहते हैं, एक को कहते हैं विलेय, एक को कहते हैं विलायक। मुझे हिंदी एग्जैक्टली नहीं पता, एक को विलेय एक को विलायक। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, पानी में आपने चीनी डाली, क्या डाली? चीनी। तो चीनी तो मेरी हो गई सॉल्यूट, और जिसमें डाली वो हो गया सॉल्वेंट, और इस पूरे को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इन सॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो अपना कर्जा ना चुका सके, इसे हम बैंक्रप्ट भी कहते हैं, बैंक्रप्ट ठीक है ना। इसके आपको 3 सिनोनिम्स बताने हैं, यू हैव टू टेल मी 3 सिनोनिम्स फॉर दिस। ओके चलो, एक देखो, एक होता है इमिग्रेंट, एक होता है एमिग्रेंट। दोनों बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कमेंट में देखना कि किस किस को इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में डिफरेंस पता है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट वर्ड आता है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? जैसे मान लो, जैसे एक डिजीज होती है, मैं ये सब नॉलेज भी आपके काम की, एक डिजीज होती है लाइपोमा। या शरीर में कोई भी गांठ हो जाए तो उस गांठ को निकाल के उसकी स्टडी करते हैं कि वो कैंसर कॉजिंग है कि नहीं है, उसको कहते हैं बायोप्सी। क्या कहते हैं? बायोप्सी। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। गांठ ही नहीं, कोई भी सेल को निकाल देना शरीर से, फिर इसको चेक करना, वही क्या होता है हमारा? बायोप्सी। क्या होता है? बायोप्सी। ओके, एक होता है आपके पास वीवी पैरस। मतलब जो बच्चे देता है, तो इसे कहते हैं बियरिंग लिविंग यंग वंस एंड नॉट एग्स। यानी कि जो बच्चे देता है उसे वीवी पैरस कहते हैं। यानी कि जो अंडे देता होगा, जो अंडे देता है, जैसे मुर्गी हो गया ठीक है ना, जो भी अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओवी पैरस। समझे? वीवी पैरस और ओवी पैरस ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट होता है विंसिबल। इसका मतलब होता है जिसे जीता जा सके, जिसे सॉरी जीता जा सके ठीक है ना। जिसे जीता जा सके उसे विंसिबल कहते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो, दैट विच कैन बी कॉन्कर्ड, दैट विच कैन बी, सॉरी सॉरी सॉरी, इंग्लिश में राइटिंग कॉन्कर्ड, बस यही कमी है ठीक है ना कुछ तो कमी होगी। दैट विच कैन बी कॉन्कर्ड। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? जिसे जीता जा सके, CONQUERED। तो कॉन्कर्ड
कॉन्कर्ड भी एक वर्ड मिल गया आपको, ठीक है ना, इसी से बनता है इनविंसिबल। अगर आपको पता हो तो एक बाइक आई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है यामा की थी या हीरो की, उस बाइक का नाम ही इनविंसिबल था। पता है उसका नाम इनविंसिबल क्यों बना था? INS विक्रांत को जब स्क्रैप करा था, मतलब जब उसको जब उसका डेट का मतलब एक्सपायर हो गया, फिर जो उसे खराब कर दिया मतलब नष्ट करा, तो उसका स्क्रैप खरीदा था उस कंपनी ने और उससे बनाया था इसे, तभी इसका नाम दिया इनविंसिबल। मतलब इसे, क्योंकि ये अभी तक INS विक्रांत कोई लड़ाई नहीं आ रहा था, ठीक है ना, तो इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके। आगे एक होता है, इसे कहते हैं संपत्ति हड़पने वाला, संपत्ति हड़पने वाला, ठीक है ना, जो संपत्ति हड़प लेता है उसे यूजरर कहते हैं। हमने तो पी साइलेंट था, पता नहीं पी साइलेंट है कि नहीं है, गूगल पे चेक कर लेना, वो हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। एक आता है ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट का मतलब होता है कामचोर, कामचोर का एक होता है मलिंगर, MALINGER, मलिंगर कामचोर। इसके आपको मुझे दो सिनोनिम्स और बताने हैं कामचोर के, यू हैव टू टेल मी टू मोर सिनोनिम्स। एक होता है स्टॉइक, एक ऐसा इंसान जो सुख और दुख से परे हो, जिसे ना तो सुख दुख सुख फील होता ना ही दुख फील होता, अगर कह सके तो एक सन्यासी कह लो, सच्चा सन्यासी, वो स्टॉइक होता है, ठीक है ना। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट फ्रॉम या इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जिसे ना तो दर्द फील हो ना ही खुशी, ठीक है ना, उसे कहते हैं स्टॉइक, ठीक, ओके। नेक्स्ट वर्ड आपके पास आता है सजन, SOJOURN, इसका मतलब होता है स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए कहीं रुकना, उसे सजन कहते हैं, थोड़े समय के लिए कहीं रुकना उसे सजन कहते हैं, समझे, इसे कहते हैं सजन, ठीक है। तो अब आते हैं idiom and phrases पे, INP, ठीक है, ओके। फर्स्ट इज लुक ऑफ कलर्स, लुक ऑफ कलर्स का मतलब होता है, जैसे मैं अगर कहूं कि यार आपके चेहरे की रंगत उड़ गई है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप बीमार हो, है ना, या अनहेल्दी हो, इसका मतलब होता है लुक इल, लुक इल और अनहेल्दी। दूसरा हमारा होता है मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर को कहते हैं विद्वान आदमी, तो समझ आ रहा, लेटर मतलब शब्द, शब्द मतलब पढ़ाई, ऐसे भी समझ सकते हो ज्ञान। थर्ड वन इज मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ तो पता ना क्या होता है, तो इसे कहते हैं अ वीक पर्सन, कमजोर आदमी। अब कमजोर किस सेंस में हो सकता है, ये फिजिकली सेंस नहीं होता, जनरली ऐसा सेंस होता है कि जिसका ओपिनियन नहीं लिया जाता, जिससे ओपिनियन नहीं लिया जाता, फिजिकल सेंस नहीं है,
नेक्स्ट इज मैन ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट तो पता है आपको क्या होता है, तो इसे कहते हैं अ मैन फुल ऑफ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म ये भी बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम के लिए, इसी से एक याद है, एक जील होता है, जील भी याद रखना। एंड फिफ्थ वन इज मैन ऑफ पार्ट्स, इसका मतलब होता है मैन ऑफ क्वालिटीज। देखो एक ही क्वालिटी होती तो, जैसे मानो अब मैं कहूंगा इस मशीन में अलग अलग पार्ट है, तो हर पार्ट अपना अलग काम कर रहा है, तो अगर मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो, दैट इज कॉल्ड मैन ऑफ क्वालिटीज। ठीक है ना, डेली थोड़ा थोड़ा वो कैप करें, आप यहां से भी करें और कहीं और से भी करें, किताब से करें कहीं से करें, उन्हें एक जगह इकट्ठा करें, लिमिटेड कंटेंट रखें और मैक्सिमम रिविजन रखें, यही सबसे सही तरीका होता है वो कैप करने का। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर।